वेलकम टू माय चैनल किचन विद अदीला। आज हम बना रहे हैं मूंग और मसूर की दाल। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मसूर की दाल ली है आधा कप, आधा कप ली है मूंग की दाल, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, सुर्ख मिर्च का पाउडर, नमक और सब्ज मिर्च। दो मैंने साबुत ली हैं, बाकी मैं एक मैंने तकरीबन कटी हुई ली है। पानी लेंगे दाल को कुक करने के लिए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम दालों को भिगो के रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें तकरीबन आधा कप में ऑयल ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अनियन डाली है, अनियन को सिर्फ सॉफ्ट नहीं करना, इन्हें लाइट गोल्डन करेंगे, क्योंकि ये दाल का तड़का है तो इसलिए इसमें ये लाइट गोल्डन करेंगे इसको। ये देखिए ये हो चुके हैं। अब इसके साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, उसे भी लाइट गोल्डन करेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है, कितना नाइस कलर आ गया लाइट गोल्डन। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, मिक्स करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि तड़का नीचे ना लग जाए। अब इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर दें, सिर्फ हमने पिसा हुआ गर्म मसाला ऐड नहीं करना, वो हम एंड पे शामिल करेंगे, क्योंकि उसका टेस्ट तभी आता है जब हम एंड पे डालेंगे। तो कुटा हुआ जीरा और धनिया एक एक टेबलस्पून है, बाकी स्पाइसेस जो हैं वो अपनी दाल की क्वांटिटी के हिसाब से आप सेट करें। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये जो हमारे टमाटो हैं और अनियन वगैरह वो अच्छे से कुक हो जाए। साबत हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं, कटी हुई मैं बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। अब 3 से 4 मिनट इसे कवर करके छोड़िए। ये देखिए ऑयल सेपरेट आउट हो गया है, बहुत अच्छे से ही हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, इतना पानी ऐड करेंगे जितना हमें दालों को कुक करने के लिए चाहिए होगा। ये तकरीबन 2 to 3 कप्स मैंने पानी लिया है। पानी का बहुत ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा हीट अप हो जाने पर हम अपनी दालें इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए ये हीट अप हो चुका है। ये दालों को मैंने 2-3 पानी में धो के इनको स्ट्रेन आउट कर लिया था। इन्हें ऐड कर दें दोनों दालों को। ये दोनों जो दालें हैं ये तकरीबन एक जैसा वक्त लेती हैं कुक होने के लिए, इसलिए साथ ही शामिल कर देंगे। अब कवर होने करके छोड़ दें कुक हो जाने तक के लिए। देखिए दालें कुक हो चुकी हैं। दाल का ना तो हमें बहुत ज़्यादा पेस्ट बनाना है और ना ही इसके जो ग्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आने चाहिए, मिक्स होना चाहिए, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। अब जो हमने गरम मसाला रखा था वो ऐड कर देंगे, मिक्स करें अच्छे से और डिश आउट कर लें। इस दाल को आप बॉइल्ड राइस के साथ भी ले सकते हैं और रोटी के साथ भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी और मज़ेदार लगती है। यहाँ मैंने बहुत ही फाइनली चॉप अनियन लिए हैं, इनके साथ मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। ये जब थोड़ा थोड़ा आता है तो बहुत अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। और उसके साथ ही हम ये कटी हुई सब्ज मिर्च भी डाल देंगे।
इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जो कच्ची सब्ज मिर्च होती है। और कोरिएंडर लीव्स के साथ मैं इसे गार्निश करूंगी। मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।